किडनी की करें पूरी तरह से सफाई मात्र 16 घंटों में। नमस्कार, शरीर की मुख्य ग्रंथियों में से एक होती है किडनी। दोस्तों, जिस तरह हम घर में पानी पीने के फिल्टर को हमेशा साफ रखते हैं, उसी तरह शरीर के फिल्टर यानी कि किडनीज को भी हमें हमेशा साफ रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये हमारे ब्लड को फिल्टर करती है और उसे साफ करके शरीर की सारी गंदगी पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकालती है। अक्सर दोस्तों हम शरीर में लीवर और दिल को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन अगर किडनी की सफाई सही समय पर ना की जाए तो इससे व्यक्ति की मौत तक भी हो सकती है, क्योंकि ब्लड प्यूरिफाई कर शरीर को कई तरह के इन्फेक्शन से बचाना, पेशाब में दिक्कत और रुक रुक कर रहना, पेट के दाईं या बाईं ओर असहनीय दर्द होना, पेशाब में रुकावट, बुखार, कपकपी और उल्टी आना दोस्तों किडनी संबंधित बीमारियों के लक्षण हैं। लेकिन दोस्तों आयुर्वेद में कुछ ऐसे बेहद आसान और प्राकृतिक उपाय बताए गए हैं जिसकी मदद से हम आसानी से घर बैठे ही किडनीज की सफाई कर सकते हैं और आने वाले समय में हम किडनी संबंधित रोगों से बच सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम जितना प्राकृतिक के नजदीक रहेंगे उतना हम बीमारियों से दूर रहेंगे। तो चलिए ये समझते हैं कैसे आपको इस प्राकृतिक उपाय को बनाना है। किडनीज की सफाई के लिए दोस्तों हम यहाँ पर आपको दो उपायों के बारे में बताएंगे। पहला उपाय इतना बेहद आसान और घरेलू है जिसे आप आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं, और दूसरे उपाय को केवल आपको 10 से 15 दिन में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना है, जो कि आपकी किडनीज की पूरी तरह से सफाई करेगा और आपको किडनी स्टोन से भी बचाएगा। तो चलिए ये समझते हैं पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर लेना है ये धनिया यानी कि कोरिएंडर। जिस तरह से किडनी हमारे ब्लड को प्यूरिफाई कर उसे साफ करती है, उसी तरह से किडनीज की सफाई के लिए दोस्तों धनिया बहुत फायदेमंद है, क्योंकि धनिया में पाए जाने वाले डिटॉक्सिफाई इंग्रेडिएंट्स हमारी किडनीज की सफाई करते हैं और किडनी संबंधित बीमारियों से बचाते हैं। आप दोस्तों इतनी मात्रा में धनिया लीजिए, और इसके साथ आपको यहाँ पर लेना है जीरा। ये जीरा दोस्तों आपको बिल्कुल सूखा हुआ लेना है, यानी कि जीरे के अंदर आपको बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। आप एक कटोरी में जीरा लीजिए, और इसके बाद आपको इसी के साथ यहाँ पर लेना है कुछ कटे हुए नींबू के पीस। आपको यहाँ पर 3 से 4 नींबू के स्लाइस लेने हैं, और इनका आपको छिलका नहीं उतारना। और कैसे आप इनकी मदद से अपनी किडनीज की सफाई कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इस ड्रिंक को तैयार करने के लिए आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ये धनिया ले लीजिए, और इस धनिया के जो नीचे ये जड़े हैं आप ये देख रहे हैं, इन्हें काट लीजिए, और इन्हें काट कर इन्हें पत्ते अलग कर लीजिए। आप काटने से पहले धनिया को अच्छे से साफ करें, और साथ में यहाँ पर ये लीजिए पानी को, और पानी आपको लेना है 1 लीटर के बराबर। आप 1 लीटर पानी को धीमी आंच पर गर्म करें, और जब ये अच्छे से उबल जाए उसमें आपको 1 प्लेट कटा हुआ धनिया इस तरह से आपको डालना है, और इसे डालने के बाद आप धीमी आंच पर इसे 10 मिनट तक उबालें। जब ये दोस्तों 10 मिनट तक उबल जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर 1 चम्मच जीरा और 2 नींबू के स्लाइस डालने हैं, और इसे डालने के बाद आपको 5 मिनट और उबालना है, और ये जो है हमारी किडनी क्लींजिंग ड्रिंक तैयार हो जाएगी। ये जो उपाय है दोस्तों आपकी किडनीज की तो सफाई करेगा, साथ ही साथ आपकी पेट संबंधी समस्या को भी दूर करेगा। आपको इसका इस्तेमाल दिन में सिर्फ एक बार ही करना होगा। आप दिन में जब मर्जी दोपहर के समय भी आप इसे खाली पेट ले सकते हैं। आपको इसे सिर्फ 1 गिलास लेना है, और ये आपकी किडनीज की पूरी तरह से सफाई करेगा, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करेगा और शरीर को होने वाले किडनी संबंधित बीमारियों से बचाएगा। और आपको इसे जब भी लेना है आप इसे हल्का गर्म करके लें। दूसरा जो उपाय है उसका इस्तेमाल दोस्तों आपको 15 दिन में सिर्फ एक बार करना है, और किडनीज की सफाई के साथ साथ ये आपको किडनी स्टोन से भी बचाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पर लेने हैं कॉर्न यानी कि भुट्टा। अक्सर दोस्तों जब हम भुट्टा खाते हैं तो कॉर्न सिल्क यानी कि उसके रेशेदार बालों को हम फेंक देते हैं, लेकिन उसके बाल इतने फायदेमंद होते हैं और उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि हमारे शरीर के ब्लैडर को और साथ ही साथ किडनीज की सफाई में बहुत फायदेमंद है, और यह हमारे शुगर लेवल को भी कंट्रोल करती है। आपको दोस्तों यहाँ पर कॉर्न सिल्क यानी कि भुट्टे के बाल लेने हैं, और इनको यहाँ पर निकाल लेना है, और इसे हमें यहाँ पर 1 कटोरी के बराबर निकालना है, और साथ में आपको यहाँ पर 2 गिलास के बराबर पानी लेना है। आप ये 2 गिलास पानी को अच्छे से उबाल लीजिए, और उसमें यहाँ पर 1 कटोरी कॉर्न सिल्क यानी कि भुट्टे के बाल डाल दीजिए। अच्छे से गर्म होने के बाद आपको इसमें डालने हैं 2 नींबू के स्लाइस। इससे दोस्तों आपको स्वाद भी आएगा और साथ ही साथ आपकी किडनीज और पेट की अच्छे से सफाई करेगा। इसे उबालने के बाद जब ये पानी 1 गिलास रह जाए तब दोस्तों आपको इसे छान कर निकाल लेना है, और दिन में आपको इसे 2 बार लेना है। सुबह और शाम को खाली पेट आपको इसे चाय की तरह 1-1 कप इसका सेवन करना है, और बिल्कुल धीरे धीरे आपको इसे पीना है। 10 से 15 दिन में केवल आपको इसे सिर्फ 1 बार दोहराना है, और ये जो उपाय है ये उपाय आपकी किडनी की सफाई के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि किडनीज की सफाई के साथ साथ ये आपको किडनी स्टोन यानी कि पत्थरे की समस्या से भी राहत दिलाएगी और आने वाले समय में आपको किडनी संबंधित बीमारियों से बचाएगी। और आप चाहे तो इन दोनों उपाय का इस्तेमाल एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि दिन में आपको पानी पीने की मात्रा को 1.5 गुना करना होगा, यानी कि अगर आप 1 दिन में 8 गिलास पानी पीते हैं तो आप उसकी मात्रा को 12 गिलास तक कीजिए, जिससे आपकी किडनी की सफाई भी होती रहेगी और आपको किडनी संबंधित रोगों से छुटकारा भी मिलेगा। आज की जानकारी बस यहीं तक थी।
पसंद है तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।